हरियाणा में जहरीली शराब से मौतों का सिलसिला भी जारी है। पुलिस जहरीली शराब बनाने वालों की धरपकड़ के लिए पूरी तरह से चौकस नजर आ रही है। पुलिस द्वारा छापेमार कार्यवाही करते हुए आरोपियों को पकड़ा जा रहा है। आपको बता दें कि जहरीली शराब केस में पानीपत एसआईटी ने अंबाला निवासी साइंस कारोबारी मनीष और केमिकल कारोबारी विजय कुमार को काबू कर लिया है। आरोपी विजय से 3400 लीटर एथेनॉल केमिकल बरामद हुआ है। बताया जा रहा है कि आरोपी मनीष यह केमिकल सोनीपत के नेनाती तारपुर गांव स्थित अवैध शराब की फैक्ट्री के मालिक नरेश उर्फ नेशी को सप्लाई करता था। इसके बदले में वह मोटा कमीशन भी लेता था। दोनों आरोपियों को एसआईटी ने कोर्ट में पेश कर 4 दिन का रिमांड हासिल कर लिया है। वहीं मामले में गृह मंत्री अनिल विज ने एडीजीपी श्रीकांत यादव के नेतृत्व में एक एसआईटी बनाई थी। एसआईटी प्रमुख यादव सोनीपत के बाद पानीपत पहुंचे। यहां उन्होंने सीआईए 1 में एसपी मनीषा चौधरी के साथ पानीपत एसआईटी की मीटिंग ली। इस केस के बारे में जानकारी लेकर एडीजीपी यादव ने दिशा निर्देश भी दिए। मामले में पुलिस अब तक 10 आरोपियों को गिरफ्तार कर चुकी है। बराना निवासी नंगला पार का ठेकेदार संदीप और जोन का ठेकेदार राजाखेड़ी निवासी बिंटू उर्फ बंटू का 5 दिन का पुलिस रिमांड खत्म होने पर उन्हें कोर्ट में पेश किया गया। यहां से दोनों को फिर से 1 दिन की रिमांड पर लिया गया। जहरीली शराब से मौत के मामले में एसआईटी इंचार्ज एडीजीपी श्रीकांत यादव जांच करने सोनीपत पहुंचे। उन्होंने पहले गन्नौर में जांच की, फिर सिटी थाना सोनीपत पहुंचकर गिरफ्तार एक आरोपी से करीब 3 घंटे तक पूछताछ की। उन्होंने अवैध शराब का कारोबार कब से चल रहा था, कहां कहां आरोपी अवैध शराब की सप्लाई देते थे, इसकी पूरी जानकारी ली गई। अब तक दर्ज की गई एफआईआर को पढ़ा व जांच अधिकारियों से स्टेटस रिपोर्ट ली। एडीजीपी ने कहा कि इस केस के हर पहलू की गहनता से जांच की जाएगी, इस घटना में संलिप्त रहे हर आरोपी तक पहुंचाया जाएगा। एडीजीपी ने नेनाती तारपुर अवैध शराब की फैक्ट्री के हिस्सेदार आरोपी अजीत सिटावली विक्की सैदपुर से पूछताछ की। दोनों ने सभी आरोपियों के नाम बताए जो फैक्ट्री को चला रहे थे। ऐसे ही लेटेस्ट खबरें पाने के लिए बेल आइकन को क्लिक कर हमारे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।